Hey guys, Heather Kazmi, Dania Kazmi, welcome to an amazing video of This Year Trendy Reacts. आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो का नेम है आई फाउंड द फनीएस्ट इंडियन एड्स एंड एक्चुअली ट्राइड देम। ओह माय गॉड, ट्रिगर्ड इंसान की है, ट्रिगर्ड इंसान की ये वीडियो का कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग पे भी जा चुकी है। तो देखते हैं कौन से एड्स को इस बंदे ने ट्राई भी किया है, तो उसके ऊपर आज हम रिएक्ट करते हैं। जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्लिक कर दे, तुम अटक गई थी बीच में ना। क्योंकि ये डायलॉग मोस्टली मैं बोलता हूँ, बोलती हूँ अटक गई। तो क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ओके, सो लेट्स कर दी वीडियो। ये वो सर्फ एक्सेल का फिर से हाथ घिस गए पर दाग नहीं गए। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मन चाही सफेदी, मगर आज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। अरे ओ एड बनाने वाले, थोड़ी सी तो शर्म कर भाई, एड के नाम पे तूने क्या बवासीर बनाई। कसम से आंखों को ना सैनिटाइज कर। सच में आंख में चला गया, लग गए। मुझे कुछ दिखाई नहीं देना मान। यू नो, ऐसे एड्स देखने के बाद मैं कई बार सोचता हूँ कि यार ये एड्स अगर रियल लाइफ में होती तो कर गंदा आपका। इसकी शर्ट देखो, वाइट सफेद शर्ट भी नहीं होती है, जब पीली शर्ट पहनी हुई है। मेरी मम्मी 10-10 बार धोती है मेरी शर्ट को, फालतू मत बोलो। फिर भी पीली है। तेरे दांतों से कम पीली है। पीली शर्ट वाला रुको जरा, सबर करो। ले बेटा, ये सफेदी की चमकार बार बार लगातार इसे अपने पास रखेगा तो तेरे कपड़े एकदम साफ हो जाएंगे। थैंक यू इसके लिए। पैसा लगेगा बेटा, कितना रुपया लगेगा? 50,000 रुपया। मेरे को मारा था ना उसने। हाँ तू इधर आ, इधर आ। मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया था ना, ये देख, ये सफेदी देख रहा है बेटे, दूध से ज्यादा सफेदी। तेरे तेरे कपड़े देख रहा है तू, कुछ भी नहीं। और इतना सफेद देख के ना तेरी आंखें भी जगमगा जाएंगी। लाइट चली गई। ऐसा कोई सगा नहीं हमने जिसे ठगा नहीं। देखो, एड्स जो होती है एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत जरूरी होती है। एंड आई लाइक एड्स पर्सनली, कुछ क्रिएटिव इंटरेस्टिंग सी एड्स होती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी एड्स आती है जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस एड में बताओ ये एक बल्ब की एड है, मतलब अगर ये एक वॉशिंग पाउडर या फिर कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की एड होती तो भी बंदा कहता है हाँ सही है भाई, बल्ब से कपड़े सफेद हो रहे हैं। कोई सेंस है इस बात में? लॉजिक इनटू 100 हो गया। और ये छोड़ो भाई, इस अगली एड में देखो। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर माँ मेरी त्वचा, फेस वॉश, क्रीम, लाइट, दीदी इसका इंस्टेंट फेनर चाहिए तो ये लो। साधारण क्रीम असर दिखाई 5 दिनों में, पर बात CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अगर पॉसिबल होता मैं अपनी आंखें ऐसे निकाल के साइड में रख देता हूँ। ऐसी रेसिस्ट फेयरनेस क्रीम वाली एड हमने बहुत देखी है, लेकिन एक बल्ब की लाइट में लड़की देखो तुम, एकदम इन्होंने वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इंसान ही बदल गया, कुछ और ही बिठा दिया है वहाँ पे। ये ऐसी एड्स बनाने वालों से उनकी क्वालिफिकेशन पूछो ना तो सामने से बोलेंगे हम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसीलिए कहते हैं कि अब ग्रेड से कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह कर लो और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये कोई एड
The really, really wide TV. Wide screen TV. कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल मैंने सोचा था कोई ये एड्स बनाने वाले कौन से नशे करके एड्स बनाते हैं भाई पता नहीं जी कौन सा नशा वाइड स्क्रीन है तो वाइड का मतलब लिटरली ले लिया इतनी वाइड हाँ, वो भागते आ रहे हीरो बट नहीं दे कैन नॉट मीट ना बिकॉज दे आर वाइड स्क्रीन में भाग रहे हैं वो तू यहाँ पे कैसे चला ही गया तो ला पानी की बोतल पकड़ा क्या कर रहा है जल्दी आ अबे वो एक्चुअली वाइड स्क्रीन है ना तो थोड़ा टाइम लगता है और तेज और तेज अबे साले अबे जल्दी करना सुबह पनवेल निकलना है पागल है क्या बंद कर इसको पूरे घर में आग लगाया क्या सॉरी भाई मैं चलता हूँ तो चल कैसे रहा है एड अब ये वाली एड देखो तो यहाँ पे ये लड़का जो है ये अपना भविष्य जानने के लिए आया है एक एस्ट्रोलॉजर के पास हाथ देखने वाले ज्योतिष के पास और यहाँ पर इन्होंने गधा बिठा रखा है केआरके साइला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था अरे केआरके भाई और केआरके बोलता भी है मगर क्यों जी कहिए मेरा करियर का फ्यूचर कैसा है पहले अपने पास्ट के बारे में पास्ट में देशद्रोही ग्रेजुएशन के बाद एमएनसी में नौकरी कर रहा हूँ अबे हंस क्या रहा है बे केआरके मैंने भी सेम किया था जब बेइज्जती है उसके साथ डेटा साइंस का स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ अपग्रेड से और भाई क्रिस्टल बॉल में से अचानक से उजाला आने लग गया ओहो हो अगर स्पेशलाइजेशन राइट है तो फ्यूचर ऐसा ही ब्राइट है सिर्फ नाम की नहीं काम की मुझे नहीं समझ ये देख के ना मेरे को ना? मेरी लाइफ की स्टोरी याद आ गई क्योंकि एक बार मैंने भी एक गधे के नीचे काम किया था बेटे एक चीज मेरे को क्या अच्छी लगी बाकी एड्स वगैरह ना सेलिब्रिटीज को लेके आती है यहाँ पर भाई ये लोग एक गधे को लेकर आए हैं केआरके बिठा दिया भाई उन्होंने यार केआरके मेरे पे रोज वीडियो बना देगा लेकिन एक बात जो इन्होंने सही बोली ना कि अगर स्पेशलाइजेशन राइट हो तो फ्यूचर ब्राइट होता है मेरा भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट था ट्रिपल आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी थी यूट्यूबर बन गया गालियां खाने के लिए लेकिन आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं आप ग्रैड डाउनलोड करके देखो यहाँ पर ना बहुत सारी फील्ड्स में प्रोग्राम्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं जैसे कि डेटा मैनेजमेंट फाइनेंस लॉ एक्सेट्रा फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स तो काम करते करते किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो फिर तो फ्यूचर एकदम सेट है मस्त प्लान है अब इसी बात पे ना अपग्रेड डाउनलोड कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना समझ रहे हो समझ रहे हो बहुत तेज हो रहा है देखो जी सब तो पहला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं ना हूं पंजाबी च गल करनी है जिन्होंने पंजाबी समझ आती है बहुत बढ़िया जिन्होंने समझ नहीं आती टेंशन ला लो मैंने भी नहीं पता मैं की बोलता तो देखो इस एड च तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हो गया ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी एक ही मतलब है कुछ भी दिखाते हैं अपने मोटे से पति को निकलने के लिए रास्ता देना है वो तो यार वो मोटे पति अपना पेट अंदर खींच के ऐसे ऐसे करके जुगाड़ वाले तरीके से भी जा सकते हैं जैसे हम इंडिया में जाते हैं बट ना जी ना हमें तो यहाँ पे भाई क्रिएटिविटी दिखानी है तो क्रिएटिविटी के नाम पे हम सर के ऊपर लात डाल के वो शीर सिंह रिंगासन लगा के ऐसे कबड़ के अंदर बैठ देंगे बाबा रामदेव की तरह भाई भाई तुम्हें क्या दिक्कत है ऐसी एड से उनका प्रोडक्ट बिकता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है चुप
एंड में बोलते हैं डू नॉट ट्राई दिस एट होम, जैसे कि सच्ची में कोई बेवकूफ ये सब घर पे ट्राई करने वाला है। देखो कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, मतलब होते हैं लोग बेवकूफ, पर कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि ये फालतू की चीज घर पे ट्राई, ये ट्राई ना करे। ओ आपको उधर जाने वेट्स आपके लिए जगह बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आप आगे जा सको। हर चीज का एक वक्त होता है पर टूर्नामेंट खाने का। यार ये 30 सेकंड की एड देखते हुए तुम्हें कहीं पे भी लगा था कि ये एक टॉफी की एड होगी? बंदा हनीमून मनाने जा रहा है और वहाँ पे कबड्डी खेल रहा है और पता चलता है एड निकल रही है टॉफी की। मिरेकल, मिरेकल। कैसे भाई कैसे? ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने तो मौत मिलेगी। रिमेंबर कोई भी फील्ड हो अगर स्पेशलाइजेशन राइट होगी तभी फ्यूचर ब्राइट होगा। फॉर अ बेटर फ्यूचर अपग्रेड, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड दिया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पेशलाइजेशन राइट फ्यूचर ब्राइट, जबरदस्त यार। अच्छा इससे मुझे जो सबसे फनी लगा है ना, सबसे ज्यादा फनी एक तो मुझे वो गधे वाला थी भी फनी लगा, मोस्टली शायद मुझे वो ऐड का इतना ज़्यादा नहीं समझ आया एंड लेकिन आखिर में क्लियर हुआ था फ्यूचर स्पेशलाइजेशन और फ्यूचर ब्राइट हो गया। पर आखिर में मुझे दराज में मुझे छोटी सी वो पाँव फिट वो इतने से ज़्यादा मुझे इससे ज़्यादा फनी लगा था ट्रिगर्ड इंसान को जो खुद ट्राई करता है। दूसरी बात ये इसकी रोस्टिंग में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि इतना वल्गर वर्ड्स और गालियों का यूज़ ही नहीं करता है ना, नहीं करता ये मोस्टली अच्छी वीडियो लगी है, किसी ने अच्छा सजेशन दिया था। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करें तो आप हमें वो वीडियोस कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप उसके बारे में भी हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस दी बेल आइकन, वो घंटी भी बजा। सो गाइस और क्या कहना है हमने, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट, वो तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो या और आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।